नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अवाकिन ओएस के बारे में। अवाकिन ओएस का 1.9 वर्जन अवेलेबल हो गया है अपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर उसका ही रॉम रिव्यू करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन है, सब कुछ। सो वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले इसका जो सेटिंग्स पेज है अवाकिन ओएस को आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। शायद ही दोस्तों आप इस तरह की और कोई रॉम के अंदर देने को मिलेगा, काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन हमें सीरीज फोन के अंदर देने को मिल जाती है। चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। एंड सबसे पहले यहाँ पर हमें जो एंड्रॉइड वर्सन है वो देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 हमें देखने को मिल गया है। अवाकिन ओएस का जो वर्सन है 1.9 है, कोड नेम है कवर एंड बिल्ड टाइप है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हुआ है अपने Mi 2 डिवाइस के लिए, जो काफी बढ़िया बात है। 5th of July 2021 का स्क्रीन पैच हमें देखने को मिल गया है। हेलकॉन का 7.2 कर्नल यूज किया गया है, 4.19 वाला, जो कि काफी बढ़िया है। एंड A-Series का जो सरस है इन्फोर्सिंग वाला है, परमिसिव वाला नहीं है, मतलब आपको प्राइवेसी के रिलेटेड कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एज बिल्ड है 17th of July को रिलीज किया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो अपना प्रोजेक्ट अवाकिन ओएस आया है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 12 से बहुत सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है इस बिल्ड के अंदर। सो इसके लिए आपको जाना होगा अवाकिन सीरीज के अंदर, देन थीम के अंदर। यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 12 का जो क्लॉक है वो देखने को मिल जाती है, एंड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड देख सकते हो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो क्लॉक है देखने को मिल गया है। सिंपली से टिक करके अप्लाई कर दीजिए। अभी देखो आपको एंड्रॉइड 12 का जो क्लॉक है देखने को मिल गया है, काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपको एंड्रॉइड 12 का जो WR-3 आया था उसका भी क्लॉक देखने को मिल गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। मेरे को तो दोनों क्लॉक ही बढ़िया लगा है, बट सबसे ज्यादा भाई सब ए वाला जो नया वाला है वो ज्यादा बढ़िया लगा है मेरे को। ए वाला बड़ा करके जो क्लॉक आता है, देखो बड़ा छोटा दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया ए हमें देखने को मिल गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें जो है एंड्रॉइड 12 का स्विचेस भी देखने को मिल जाती है। बाय डिफॉल्ट जो स्विच है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, देख सकते हो। अगर आप यहाँ से एंड्रॉइड 12 का स्विच लगाते हो तो देखो चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से जो एंड्रॉइड 12 का स्विच है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, इस बिल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें क्या कहते हैं जो स्ट्रेस बार है, स्ट्रेस बार के अंदर आप जो आपका स्ट्रेस बार क्लॉक है उसे आप ऑटो हिट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा स्ट्रेस बार के अंदर, देन आपको क्लॉक ऑप्शन के अंदर जाके ऑटो हाइट क्लॉक का भी ऑप्शन देने को मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये जो आप देख सकते हो इसके अंदर जो आपको क्लॉक देखने को मिलता है, जो क्लॉक है कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली हाइट हो जाएगा। देखो देखो हाइट हो गया। सो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस बार के अंदर जो क्लॉक है उसे हाइट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर डाल दिया गया है, यहाँ से आप दोस्तों चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो अपना डेवलपर सेटिंग्स होता है, डेवलपर सेटिंग्स को पहले इनेबल कर लेते हैं। सो अपना डेवलपर सेटिंग्स के अंदर वेक लॉक एंड आपका जो अलार्म ब्लॉकर है वो भी डाल दिया है। सो सबसे पहले उसे सर्च कर लेते हैं कहाँ पर गया वेक ब्लॉक। एंड भाई साहब सबसे ऊपर ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं अलार्म ब्लॉकर एंड वेक ब्लॉकर जो है इसे भी डाल दिया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है डेवलपर सीरीज के अंदर। सो यहाँ पर आप अलार्म को भी ब्लॉक कर सकते हो, जो काफी बढ़िया बात है। उसके बाद अगर आप पिक्चर इन पिक्चर मोड यूज करते थे तो रोटेशन के दौरान आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत ही सीमलेस रोटेशन देखने को मिल जाएगा पिक्चर इन पिक्चर मोड के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल गया है। यहाँ पर आपको कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, रेड ग्रीन सैचुरेशन वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पर आप रेड ग्रीन तो हो गया, बट सैचुरेशन हु ये सभी हमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पर ए ही ऑप्शन देने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फुल एम पैनल है उसे भी आप चेंज कर पाओगे, जिसके लिए आपको जाना होगा अपने अवाकिन सीरीज के अंदर थीम के अंदर, देन वॉल्यूम स्टाइल जो है बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप MIUI कॉम्पैक्ट वाला लगा सकते हो, अलग अलग जो वॉल्यूम स्टाइल है उसे आप ट्राई करके देख सकते हो। बट मेरे को भाई सब जो स्टॉक वाला है यही सबसे ज्यादा पसंद आया है। सो बात कर ले दोस्तों और क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो अवाकिन ओएस है इसके अंदर हमें कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलता, आपको एक बग फ्री एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो बैटरी एस्टिमेट है उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जैसे देख पा रहे हो लगभग 8 आवर्स आपको मैंने चार्ज किया था, 23 मिनट का यूजेस है एंड आपका जो बैटरी है 9 मतलब और भी ज्यादा चलेगा, देख सकते हो कितना टाइम तक चल सकता है। तो एस्टिमेट जो बता रहा है इसे भी फिक्स करके दिया गया है। सो बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से Mi 2 डिवाइस के लिए इस रॉम के साथ काफी बढ़िया है। जो फुल स्क्रीन हो जाता है तो फुल स्क्रीन एप्लीकेशन अभी आपको काम करेगा, मतलब सभी एप्लीकेशन जो है दोस्तों फुल स्क्रीन के अंदर काम करेगा। एंड ऐसा नहीं है कोई भी एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में नहीं जा रहा है, सभी एप्लीकेशन जो है फुल स्क्रीन के अंदर काम करेगा। एंड जो प्राइवेसी इंडिकेटर है आपका, जो माइक ऑन है तो कैमरा ऑन है तो जो दिखाता था उसे भी फिक्स करके दिया गया है, अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस तरह से दिखा देगा, जो काफी बढ़िया बात है।
एंड ये देखो सबका जो प्राइवेसी इंडिकेटर है उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो एक्स फैट इशू था उसे फिक्स करके दिया गया है, जो माइस इंप्रूवमेंट है वो भी देखने को मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक ऐप लॉकर देखने को मिलता है ना, ये जो बिल्ड है दोस्तों इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है। यहाँ पर हमें फेस अनलॉक ऐप लॉकर के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिल जाती है ना, कैसे इंप्रूवमेंट हो अभी मालूम चल जाएगा। फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है देख लेते, टैप किया ओपन हो गया, वन सेकंड आप देख सकते कुछ इस तरह से टैप किया ओपन हो गया, ये देखो हमने पासवर्ड लगा के रखा है, टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफ़ी बढ़िया है, और एक बार इस फिंगर के साथ टैप किया ओपन हो गया, टैप किया एंड ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। नाउ फेस अनलॉक की बारी है, ओके फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, और एक बार देख सकते हो फेस अनलॉक यहाँ पर काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। हमें यहाँ पर ऐप लॉकर है वो भी देखने को मिल गया है, देख सकते हो ऐप लॉकर के अंदर जो फेस है उसे एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पर कन्फर्म भी हो गया। सो ये काफी बढ़िया ऑप्शन मेरे को देखने को यहाँ पर मिल गया है। नेक्स्ट अब दोस्तों पर बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज को फिक्स करके दिया गया है अपने MI2 डिवाइस के अंदर। सबसे पहले जो वो वाईफाई है उसे फिक्स करके दिया गया है, अभी आपको जो वो वाईफाई है बड़ी तरीके से काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। जो वॉल्टी है उसे भी फिक्स करके दिया गया है, एंड अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हो जियो के अंदर एयरटेल के अंदर वॉल्टी के थ्रू उसे भी फिक्स करके दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी टाइम दोस्तों काम नहीं कर रहा था। एंड जो गीकबेंच के अंदर लो स्कोर हमें देखने को मिलता था उसे भी फिक्स करके दिया गया है, गीकबेंच के अंदर कितना स्कोर आया है सब कुछ आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। एक जो दोस्तों कर्नल है दोस्तों 4.19 का बिल्ड के साथ हमें देखने को मिलता है इस रॉम के साथ। सो अगर आप 4.4 का कर्नल को फ्लैश करोगे आपका जो फोन है दोस्तों बूट लूप में अटक जाएगा, आप दोस्तों चेंज उसे बूट नहीं कर पाओगे। एंड बाय द वे अपने MI2 डिवाइस के लिए जो जी एप्स है वो प्री इंस्टॉल है, आपको अलग से जी एप्स को भी फ्लैश नहीं करना होगा, जो ये काफी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ साथ जो TWR रिकवरी है अपने MI2 डिवाइस के लिए वो भी दोस्तों हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है, आपको TWR रिकवरी को भी अलग से फ्लैश नहीं करना होगा। अगर आप रूट करना चाहते हो तो मैजिक का जो 23 वाला स्टेबल बिल्ड है उसे फ्लैश कर लीजिएगा, उसके साथ आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। एंड जो हेलकॉन का 2.7.2 कर्नल है कैसा है सब कुछ आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर जो वाइब्रेशन पैटर्न है दोस्तों पिक्सल 2 से लिया गया है, जो वाईफाई डिस्प्ले उसे भी ऐड करके दिया गया है, मतलब जो कास्ट स्क्रीन का सपोर्ट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है, अगर आप चाहो तो अपने स्क्रीन को कास्ट भी कर सकते हो। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल हमें गीकबेंच के अंदर कितना स्कोर देखने को मिला है उसके बारे में, एज वेल बाकी जो बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है उसे भी रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने गीकबेंच के साथ, 3-2-3 हमें देखने को मिला है सिंगल कोड के अंदर, मल्टी कोड के अंदर 1-2-0-4 देखने को मिल गया है। एंड हमने जो हेलकॉन का 7.2 कर्नल है उसी रखा है, कर्नल को चेंज नहीं किया है। एवरेज से थोड़ा सा कम आया है सिंगल कोड के अंदर, मल्टी कोड के अंदर एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर CP13 टेस्ट भी हमने रन किया था, 152 गया है मैक्स एवरेज है, 141 मिनिमम है 132। MI2 डिवाइस की सबसे जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, 151 जो मैक्स गया है, 152 जो मैक्स गया है सही है। एंड जो मैक्स CPU दोस्तों 2.20 Hz तक चला गया है, एंड यहाँ पर 91% का मैक्स थ्रॉटलिंग हमें देने को मिला है। यहाँ पर अगर बात करो 3D मार्क की तो 367 हमें देने को मिल गया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस 2.20 का जो FPS देने को मिला है, 367 हमें यहाँ पर जो है ओवरऑल स्कोर देखने को मिला है। हमने यहाँ पर मैजिक को भी डाल के रखा था, इसलिए सिंपली मैजिक में से दोस्तों जो मैजिक हाइट है हमने इनेबल कर दिया। उसके बाद जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, गूगल पे फोन पे इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर बड़ी तरीके से काम करेगी, जो काफी बढ़िया बात है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो रॉम है काफी सही है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं इस रॉम को आपको फ्लैश किस तरह से करना होगा। सिंपली TWR रिकवरी के अंदर बूट कीजिए, उसके बाद आपको जो इंटरनल स्टोरेज है उसे छोड़ के बाकी सब कुछ को सिलेक्ट करके वाइप कर देना होगा। उसके बाद जो रॉम है उसे फ्लैश कीजिए, आपको जी एप्स ऑलरेडी देखने को मिल जाती है तो आपको अलग से जी एप्स को भी फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। सिंपली रॉम फ्लैश करने के बाद आपको दोस्तों जो मैजिक से उसे फ्लैश कर सकते हो, एंड अगर नहीं चाहते हो तो नहीं करना। उसके बाद रिबूट टू सिस्टम कर दीजिए, उसके बाद वो अपने फोन के ऊपर सक्सेसफुली जो एवोकी नॉइस उसे इंस्टॉल कर लिया है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें एवोकी नॉइस के अंदर देखने को मिलता है, देख सकते हो कस्टम मतलब कस्टमाइजेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट ये सभी जो ऑप्शन है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो के अंदर अलग से सेम ऑप्शन को भाई सब मैं कवर नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। जो 1.9 के अंदर जो फीचर्स को ऐड करके दिया गया है सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने बोल दिया है।
होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज भी देखने को मिलता है जिसके अंदर हैप्टिक फीडबैक, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेम का ऑप्शन है, एमआई का साउंड एनालाइजर भी देखने को मिल जाती है। सब हेडफोन टाइप को चूज कर सकते हो, प्रीसेट को चूज कर सकते हो, एम्ब्रॉयड डिस्प्ले का भी ऑप्शन है, पिकअप, राइस टू वेकअप, हैंड वेकअप, पॉकेट मोड, ये सभी ऑप्शन देने को यहाँ पर मिल गया है। एफपीएस मोबाइल का भी देखने को ऑप्शन देने को मिल जाती है, जो रियल टाइम एफपीएस है वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन है वो भी देखने को मिल जाती है, आपका जो रेड ग्रीन सैचुरेशन वैल्यू है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो डिवाइस सेटिंग्स के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। एनीवे ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है प्रोजेक्ट एवोकिन ओएस के अंदर अपने एमआई 82 के साथ। अगर आप एक स्टेबल रोम चाहते हो एंड्रॉइड 11 के साथ तो इस रोम को जरूर से ट्राई करना अपने एमआई 82 डिवाइस के अंदर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।